दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह। हर रोज मैं आपको देश दुनिया की किसी बड़ी खबर से रूबरू कराता हूं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाना चाहता हूं। किस्से शब्द से यह मत समझिएगा कि मेरी कहानी काल्पनिक है, सरकारी मुहर वाली बिल्कुल सच्ची कहानी है। वैसे आप भी पूरा किस्सा सुनकर समझ जाएंगे कि किस्से में कल्पना का रेशा मात्र भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वो दिलचस्प किस्सा। किस्सा है एक बुलबुल का। बुलबुल को जानते हैं आप, प्यारा सा परिंदा होता है। रफी साहब ने जब जब फूल खिले फिल्म में बुलबुल का जिक्र किया है। एक था गुल, एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। गाने में गुल और बुलबुल की मार्मिक प्रेम कहानी को बयां किया गया है। सयाद मतलब बहेलिया बुलबुल को पकड़ ले जाता है। बेचारा गुल मरने के कगार पर पहुंच जाता है। उसकी तड़प भरी आवाज सुनकर बुलबुल बहेलिया के पिंजरे को तोड़ ताड़ के अपने गुल के पास पहुंच जाती है। दोनों का मिलन मोहब्बत की एक नई दास्तां को जन्म देता है। मेरी कहानी में भी बुलबुल मोहब्बत की एक नई दास्तां लिखती है, दोस्त से मोहब्बत की अद्भुत दास्तां। बुलबुल सैकड़ों मील का सफर करके एक जेल जाती है। वहां वो जेल में बंद एक कैदी के आंसू पोंछती है। कैदी का बैरक हर तरफ से बंद है, बस हवा किसी तरह आती जाती है, लेकिन बुलबुल की मोहब्बत जिंदाबाद। अपने मोहब्बत के दम पर वो वहां पहुंच जाती है और केवल पहुंचती नहीं है, उस कैदी को वहां से छुड़ा भी लाती है। दोस्तों इस किस्से को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको फिर याद दिला दूं कि मैं जो कुछ आपको सुना रहा हूं वो सरकारी मुहर वाली सच्ची बात है। इसको आप काल्पनिक कहानी समझने की भूल कतई मत कीजिएगा। इस वैधानिक चेतावनी के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने किस्से को आगे ले चलते हैं। बुलबुल उस बैरक से कैदी को आजाद करा लेती है जिस बैरक में एक सुराख तक नहीं है। उसके बाद बुलबुल अपने पंख पर कैदी को बिठाती है और फिर निकल पड़ती है सैकड़ों मील दूर सफर पर। वो कैदी को उसके घर द्वार का दर्शन कराते हैं, थोड़ा इधर उधर घुमाती है, फिर वापस उसे जेल में पहुंचा देती है। दोस्तों किस्से के उस बुलबुल के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस कैदी को वो बुलबुल अपने पंखों पर बिठाकर सैर कराती थी उस शख्स के बारे में जरूर पता है। वो शख्स है विनायक दामोदर सावरकर, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले बीजेपी के सावरकर। उसी सावरकर और बुलबुल के किस्से पर सरकारी मुहर मारी है कर्नाटक की भाजपा सरकार ने। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो टेक्स्ट देख रहे हैं वो कर्नाटक में आठवीं क्लास के बच्चों को पढ़ाई जा रही है। कन्नड़ भाषा में लिखी इस किताब में दावा किया गया है, और वो दावा क्या है, सावरकर जिस कमरे में कैद थे वहां कोई छोटा सा छेद तक नहीं था। हालांकि कहीं से बुलबुल वहां आ जाती थी जिस पर बैठकर सावरकर उड़कर बाहर चले जाते थे और रोज मातृभूमि को देखने आते थे। अब आप बीजेपी के इस सरकारी किस्से पर कोई सवाल मत कीजिएगा, ये मत पूछिएगा कि बुलबुल बंद कमरे में कैसे आती थी, सावरकर उसकी पीठ पर सवार होकर कैसे सवारी करते थे। ये सब सवाल पूछेगा तो जवाब वही मिलेगा जो कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने दिया है। लेखक ने जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, सावरकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कितना ग्लोरीफाई किया गया है, ये उनके बलिदान के बराबर नहीं है। बीजेपी के माननीय मंत्री की इस दलील के बाद अब आगे कुछ कहने सुनने के लिए बहुत कुछ बचता नहीं है, लेकिन एक बात जरूर दिमाग में खटक रही है। जब वो बुलबुल जेल से सावरकर को छुड़ा लेती ही थी तो फिर वापस जेल क्यों पहुंचाती थी।
और ये सावरकर बीच में ही उसकी पीठ से कूदकर फरार क्यों नहीं हो जाते थे? दोस्तों, इस सवाल का जवाब अगर आपको मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा। नमस्कार।